तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए चंदवासा और ये है वो गेट और ये रास्ता जो आपको धर्म राजेश्वर पहुंचाएगा। चंदवासा मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में रोड का काम चल रहा है और सामने जो आप दो मंदिर देख रहे हो वो धर्म राजेश्वर के ही है। ये मंदिर बाद में बनाए गए हैं, इनसे मेन मंदिर जो है वो थोड़ी दूरी पर है। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो वहाँ पर मेन मंदिर है धर्म राजेश्वर का। बीच में एक गेस्ट हाउस आएगा जो गवर्नमेंट ने बनाया है। पहले यहाँ रुकने जैसा कुछ नहीं था, अब आप यहाँ रेस्ट कर सकते हो। सो फाइनली हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पर धर्म राजेश्वर। सामने एंट्रेंस गेट है और आपकी गाड़ी आपको यहीं पर पार्क करनी होगी। नारियल वगैरह हमने ले लिए क्योंकि यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है। मेन गेट से एंटर करके हम अंदर आ गए। यहाँ पर ऊपर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ये छोटी सी वॉल है जो भी बाद में बनाई गई है ताकि कोई गिरे ना। और जो भी यहाँ मंदिर है वो सब कुछ अंडरग्राउंड है, सब एक पत्थर से बना हुआ है। पूरा एक पहाड़ है, उसी को खोद कर काट कर ये पूरा मंदिर तैयार किया है। इसको एलोरा की गुफाओं से कंपेयर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी सीक्रेट गुफाएँ हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको विश्वास ना हो पर ये पूरा एक ही पहाड़। जब भी आप यहाँ हो देखना, कोई भी एक्स्ट्रा पत्थर यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, सब कुछ एक है। ये दीवार कूद कर मैं बताता हूँ अंदर क्या है। इधर ये रास्ता है उस मंदिर तक जाने का, देखो कितना गहराई में है, नीचे से भी दिखाऊंगा। और यहाँ जो इसी पहाड़ में पूरा महल बनाया हुआ है और गुफा है, वो सब मैं आपको पार्ट टू में बताऊँगा जो हमारे चैनल पर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आई बटन में लिंक है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हो पार्ट टू। अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, इनको उतरकर हम अंदर जाएंगे। ये देखो नीचे से कितनी हाइट दिख रही है इसकी और बहुत ही बड़ी दिख रही है। ऊपर से आपको कम आइडिया लगा होगा, बड़े बड़े गेट बनाए हुए हैं यहाँ। जो ये लोहे का गेट है बाद में लगाया है, इतना तो आप समझ ही जाओगे गवर्नमेंट ने लगाया। बाकी ये रास्ता जो है इसमें भी आप देख सकते हो कहीं पर भी पत्थर अलग से नहीं है, पूरा एक ही है। ये मंदिर का गेट आ गया है, ऊपर आसमान देखो। ये चिड़िया कितना सही टाइम पर गई है, क्या ही सीन आया। गेट में एंटर करते से ही दोनों तरफ भगवान है और सामने जो है शिव शंकर का मंदिर है। मंदिर के अंदर भी बहुत यूनिक सी डिज़ाइन बनी हुई है। भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। सावन के सोमवार में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक बड़ा मंदिर और इसके पीछे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। इन सभी के अंदर अलग अलग मूर्तियां हैं। मंदिर की साइड की सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ गए। यहाँ से भी चेक करो मंदिर पूरा कितना शानदार दिखता है।
मंदिर के पास में एक गुफा है जिसको अभी बंद किया हुआ है। अंदर देखते हैं इसमें। वो देखो आगे जो है दीवार बनाई हुई है, पैक कर दिया ताकि कोई घुसे ना। स्टोर रूम बना दिया है। यहाँ एक गुफा है लेकिन मंदिर से बाहर अभी निकलेंगे हम। उधर बहुत सारी गुफा है जिसको एलोरा से कंपेयर किया जाता है। चलते हैं अब गुफाओं की तरफ। गुफाओं के एंट्री के लिए 20 रुपये का टिकट है जो ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। ये पूरा एक महल है और इसी में गुफाएं हैं, और जितने भी महल में सारे रूम्स होते हैं, हॉल होते हैं, वो सब इसमें बनाए हुए हैं। इसका वीडियो आई बटन के लिंक में है जो पार्ट 2 में है, हमारे चैनल पर भी देख सकते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा।